दादी माँ, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास कुछ ऐसे सवाल है समर्थों के पास्ट के बारे में जिनके जवाब मुझे चाहिए, पर काव्या मुझे एक बार उनसे मिलना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? उतार। मैंने कहा ये साड़ी मुझे आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको अपने ऊपर काबू रखना होगा, वरना जो बरसों से राज छुपाए हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। काव्या, मुस्कान ये इस तरह? दादी मैं हम सब बताते हैं, पहले प्लीज मुस्कान को अंदर लीजिए। ऐसा क्या हुआ जो समझते नहीं दादी? कुछ तो बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे, और वो आज मुस्कान की साड़ी की वजह से बाहर आ। समर्थ सब किसी और के बारे में बात कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये तो होना ही था, इसे क्या लगा था कि सब कुछ इतना आसान है। इसने अपनी जिद में दो जिंदगियां बर्बाद की है। आज तक सिर्फ इसने वही किया जो इसके फायदे में था। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, वो अपनी करनी का फल तो भुगतना ही है ना इसे। मुस्कान, समर्थ के साथ रहने के लिए तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। भगवान ने तुम्हें उसी की सजा दी है। नन्हा, आप ऐसा क्यों? इसने और समर्थ ने कभी किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, किसी के खुशियां उजाड़ के उस पर अपनी खुशियों का महल बनाना चाह रहे थे ना। पर अफसोस, अपनों के आंसू खुशी नहीं ऐसा नरक ही देते हैं। हमारा बस चले तो हम अभी इसी वक्त तुम्हारे बनाए हुए इस नर्क को छोड़ के निकल जाए। हमने तुम्हारे माँ बाप से वादा किया था कि हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप उठो और घर चलो। नहीं दादी, मैं यहां से नहीं जा सकती, समर्थ से दूर नहीं रह सकती दादी। मुझे नहीं पता कि ये सब उन्होंने क्यों किया, पर मुझे यहाँ रहकर सब कुछ ठीक करना है। मुस्कान, प्लीज समझने की कोशिश कर। इस वक्त समर्थ से जिस हालत में, तू उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकती। मैं कबू मैं उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो मुझे उन्हें रियलाइज करवाना कि मैं सच में सॉरी हूँ, उन्हें समझाना कि उनके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, कि वो ही मेरा सच्चा प्यार है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, बस। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आज के बाद हमसे, हमारे परिवार से किसी भी मदद की आशा मत रखना, समझी? काव्या, कुहू, चलो यहां से, संभाल ले तो इसे अपने नए रिश्ते। चलो यहां से। नहीं दादी माँ, ऐसे टाइम पे मुस्कान को यहाँ अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं। आई थिंक जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मैं इधर ही रहूंगी मुस्कान के साथ। देखा, देखा कितना फर्क है तुम दोनों में। पर काव्या, क्या तुम सच में इसके साथ यहाँ? जी दादी, मैं तब तक मुस्कान के साथ रहूंगी जब तक उसके और समझ सके बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता।
उसके बाद ही मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे ही सब ठीक हो जाए तुम जल्द घर वापस आ जाना। हम नहीं चाहते कि तुम यहां ज्यादा दिन रुको। दादी माँ, कहूँ आप दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना? चलिए कुछ खा लेते, आइए। ये करवाया तुमने मुझसे? पता है मुझे उस साड़ी में देखकर एकदम पागल हो गया था वो। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे मार ही डालेगा। मुझे नहीं लगता ऐसे हम उसे मना पाएंगे। ठीक, अगर तुम्हें लगता है इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ये करने को तैयार हूं। मैम, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? उस साड़ी के पीछे की सच्चाई। मतलब? मैं जानती हूँ उन फोटोज के बारे में। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और मैं ये बात भी जानती हूँ कि वो फोटोज कुछ साल पहले खींची गई थी। अब बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मुस्कान और सर की वो फोटोज कब लिए थे, कैसे और क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम अब आजाद हो ना? तुम पर से सारे इल्जाम हट चुके हैं तो फिर तुम क्यों ये तहकीकात कर रही हो? ये सब छोड़ो और जाओ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो। ये हमारी दिक्कतें हैं, हम खुद ही सुलझा लेंगे। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, दखल देने की जरूरत है, क्योंकि उन चीजों की वजह से मेरी बहन की जिंदगी पे असर पड़ा है, मुस्कान की जिंदगी पे असर पड़ा है। मुस्कान के साथ आज जो भी हुआ समर्थक की रूम में, उसका कोई तो कनेक्शन है उनके पास। कोई बात नहीं, आपको नहीं बताना मत बताइए, मैं खुद जाके समर्थक से पूछ लेती हूँ। खबरदार, खबरदार जो तुम मेरे भाई के पास गई तो। अभी तक तो हम चुप थे, पर इसे तुम हमारी कमजोरी मत समझना। तुम दोनों बहनों ने हमारे भाई को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अगर उसे और तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। हुकुम, हुकुम, गुम गया वो महल में, पुलिस आई है। आज तो पुलिस मुस्कान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आई है। अगली बार अगर आपने मुझे ऐसे धमकाया तो आपको अरेस्ट करने आएंगे, समझिया? हेलवी जी, सबसे पहले मुबारक हो, बेटा हुआ है आपको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? गुड न्यूज, खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, आपका बेटा रिहा हो गया, उसकी बेल हो गई है। संभव, संभव, तुम आ गए? बेटा, I was so worried about you. मॉम्स, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है,
मैंने बहुत बेवकूफी भी कर दी थी, पर आप जानते ना कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ यही बात करने आए थे या फिर कुछ और भी काम है? नहीं नहीं जनाब, बहुत जरूरी काम है। आपको क्या लगा कि मैं इस भाई साहब को यहां ड्रॉप करने आया हूं? मुस्कान जी की दादी से बात हुई है, अगर मुस्कान जी बेटर फील कर रही है तो सबसे पहला हम उनका स्टेटमेंट लेंगे। शायद आप सब भूल गए कि मुस्कान जी का किडनैपिंग हुआ था और किसी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की थी। अब वही है जो इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझा सकती है। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मुस्कान के रूम तक ले चलती हूँ। हाँ हाँ चलिए चलो। मुस्कान मुस्कान यही मामला और तो रहस्यमय नहीं होने वाला। मैडम जी जरा जोर से खटखटाइए दरवाजा। मुस्कान मुस्कान प्लीज दरवाजा खोल। मुस्कान 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 क्या हो गया? आंखें खोल, कोई कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुस्कान मुस्कान सोना मत, देख मुझे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए आप। बात करो मुझसे। कितना खून बह रहा है। लाइए मैं बांध देता। ननू वो रास्ते में बस आते ही होंगे। मुस्कान प्लीज आंखें बंद मत करना। देख देख मुझे देख। वैसे मैंने पट्टी बांधी है, खून भी रुक ही गया है। खून तो रुक जाएगा लेकिन इस घर की पागलपंती कब रुकेगी? कैसे हैं आप लोग? कभी किडनैपिंग, कभी सुसाइड, कभी दो दो शादियां, कान करने से बाज नहीं आते हैं ना आप लोग? डरिए मत, ऊपरी कट है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। उसका इंस्पेक्टर साहब, इस फैमिली का कोई भी मेंबर आपकी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके? अपनी हदों में रहिए, समझे? हद में तो आप रहिए जनाब। ये मेरा बड़प्पन समझिए, कितने जुर्म करने के बाद भी किसी को हाथ नहीं लगाया। अगर मैं अपने हद में आ गया ना तो कोई नहीं बचेगा, सबके सब जेल में सड़ोगे। लेकिन हमारी गलती क्या है? क्या गुनाह किया हमने? आखिर क्या किया है? इस लड़की की इस हालत का जिम्मेदार आप में से कोई एक होगा। आप में से किसी एक ने इसको भड़काया होगा। आखिर इस घर के दूसरे बेटे के साथ वो भागी थी। ऐसा तो नहीं कि आरती की थाली लेकर उसका स्वागत किया गया था? इंस्पेक्टर, हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। आप फालतू की बात मत कीजिए। मैडम फालतू की बातें तो आप कर रही है। आप लोग इस शहर के बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। बेहतर होगा कि आप लोग भी कीजिए। इंस्पेक्टर, हम आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे।
पर आपको दिख रहा है ना, इस वक्त मुस्कान को पुलिस की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। वो एक बार ठीक हो जाए, वो अपना स्टेटमेंट देगी, मैं वादा करती हूँ। क्योंकि आपसे ज्यादा हमें जानना है कि उसका किडनैप किसने किया। ठीक है, गलती से थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है मुझमें, लेकिन आज का वक्त दूंगा, कल फिर सुबह आऊंगा। अगर कल किसी ने कोई बहाना बनाया तो छोड़ूंगा नहीं। और हां, कल सुबह सबकी शक्लें देखनी है मुझे। मेरे पूछताछ करने के बाद ही कोई इस घर से बाहर जाएगा, अंडरस्टैंड? चलो। चिंता की कोई बात नहीं है, चोट ज्यादा गहरा नहीं है, फिलहाल तो ये स्टेबल हैं, लेकिन इन्हें आराम की जरूरत है। बट शी विल बी फाइन। आइए डॉक्टर, हम आपको छोड़ देते। पानी, पानी, पानी। क्या हुआ कबू? कुछ नहीं, तू आराम कर, बाद में बात करेंगे। मुस्कान, क्या कर रही है? तुझे दर्द होगा। नहीं, रहने दे, पहले तो मुझे पता तो इतनी अपसेट क्यों है, क्या हुआ? मुस्कान, मैंने कहा ना, ये वक्त नहीं है इन चीजों के बारे में बात करने। तू आराम कर, बाद में बात करती। नहीं, मुझे बात करनी है। रिमाइंडर, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, तो बता, जल्दी बता, क्या हुआ है? तू इसी दर्द के लायक है मुस्कान, झेल इसे। ये आप ये क्या? नहीं कहूं, उसे सुनना है ना, तो मैं बताऊंगी अभी। मुस्कान, क्या सोच के तूने अपना हाथ ऐसे ही काट दिया? मतलब तू इतनी सेल्फिश हो गई कि तुझे अब अपनी फैमिली भी नहीं दिखती? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग तुझसे प्यार करते, जो लोग तेरी इतनी परवाह करते, उन पे क्या बीतेगी जब वो तुझे ऐसी हालत में देखेंगे? तो मैं क्या करती कबू? तू ही बता। समर्थ मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ऐसे कैसे रहूं? कैसे रहूं मैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती कबू, जहां मेरा प्यार ही मुझसे नफरत करता है। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं जीनी। सीरियसली मुस्कान, तू ये हमें कह रही है? जो लड़की अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, जो लड़की अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोची, जो लड़की अपनी ही शादी के मंडप से उठ के भाग गई, वो लड़की मुझे प्यार पे लेक्चर दे रही? चार दिन में ऐसा कौन सा गहरा प्यार हो गया मुस्कान कि तुझे तुझे हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई? आई डो कबू, तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है, पर यही सच है। अब मैं वो पुरानी वाली मुस्कान नहीं हूं, जिसको जिसको प्यार का मतलब ही नहीं पता था। मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है, मुझे मेरे सच्चे प्यार का रियलाइजेशन हो गया है। आई लव समर,
cannot live without him. I don't want to live without him. Okay? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती कबू जहां मेरा प्यार ही मुझसे नफरत करता है. मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है. मुझे मेरे सच्चे प्यार का रियलाइजेशन हो गया है. I love summer. मुस्कान, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाओ. जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं तो तुम्हारा धोखा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन दिमाग कहता है कि तुम बदल चुके हो, पर दिल कहता है कि तुम अभी भी बिल्कुल वही मुस्कान हो. साहब. हाँ? साहब, आपका खाना हुकुम ने भिजवाया है. नहीं चाहिए जी. उन्होंने कहा है कि मैंने खाना नहीं चाहिए. गेट आउट. जी